फ्रेंड्स, चटपटी रसोई विद कविता में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है नारियल की आइसक्रीम। जी हाँ, बहुत ही टेस्टी होती है हमारी ये नारियल की आइसक्रीम। अगर बाकी आइसक्रीम खा के बोर हो चुके हैं तो इस गर्मी में आप ये वाली आइसक्रीम खाइए, आपको बहुत टेस्टी लगेगी। इस पूरी गर्मी में आप यही वाली आइसक्रीम खाना पसंद करेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और देखने में कितनी बढ़िया लग रही है देखने में, वाकई में खाने में भी बहुत टेस्टी। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये इतनी चिल्ड, इतनी टेस्टी, इतनी मज़े की हमारी ये नारियल की आइसक्रीम। तो देख रहे हैं आप कितनी बढ़िया है और बनाना इसे बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें ज़्यादा हमको मेहनत भी नहीं लगती है, ना ही आपको गैस में इसमें दूध वगैरह गाढ़ा करने की ज़रूरत है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो नारियल की आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक तरह ये ताज़ा वाला नारियल लिया है और सबसे पहले हम इसको तोड़ के इसको इसके सेल से अलग कर लेंगे और यहाँ पे मैंने पीस कर लिए हैं। अब हम इसको छीलेंगे। आप चाहें तो इनको छिलके सहित भी आइसक्रीम बना सकते हैं, लेकिन आज मैं बिल्कुल प्योर वाइट कलर की आइसक्रीम बनाऊँगी, इसलिए मैं इसको जो छिलके हैं वो बिल्कुल अलग कर लूँगी। तो इस तरह से हम नारियल के जो छिलके हैं वो अलग कर लेंगे ताकि जो इसका टेस्ट है वो और ज़्यादा उभर के आए। अगर आपके पास ताज़ा नारियल नहीं है तो आप इसके बदले डेजिकेटेड कोकोनट पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपके पास ताज़ा नारियल है तो आप इसे बना लीजिए। तो बस इस तरह से हम सारे नारियल को छील लेंगे और अब यहाँ पर हम इनके छोटे छोटे इस तरह से पीसेस कर लेंगे ताकि जब हम इनको पीसें तो बहुत ही ये जल्दी पिस जाए। तो यहाँ पे अब हम ये देखा, ये सारे हमने जो नारियल के पीस हैं वो कर लिए हैं छोटे छोटे, और एक मैंने पीस अलग रख लिया, मैं इनको धो लूँगी। धोने के बाद हम एक बाउल में इनके छोटे छोटे इस तरह से चंक्स निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से जब हम आइसक्रीम डालेंगे ना तो हम ये उसमें डालेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये हमारे अच्छे से वॉश भी हो चुके हैं। अब हम मिक्सी का जार लेंगे और अब हम ये पीसेस को जार में डाल लेंगे। तो यहाँ पे हम ये दो बैच में पीसेंगे क्योंकि ये ज़्यादा है। अब इसमें मैंने यहाँ पे आधा कप दूध लिया है और इसमें हम थोड़ा थोड़ा डाल के इसको हम पीसेंगे। जो नारियल का पानी होता है हम इसमें वो भी डाल के पी सकते हैं। तो बस इसका हम एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे, बहुत ही बारीक पेस्ट होना चाहिए। अगर इसमें छोटे छोटे पीसेस आते हैं तो वो आप एक दो बार और चलाइए तो वो आराम से पिस जाते हैं। तो बस अब हम इनको चेक करेंगे। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ज़्यादा ड्राई हो चुका है, ये देखिए। तो यहाँ पे काफ़ी ये ड्राई हो चुका है, इसमें थोड़ा सा हम दूध और ऐड करेंगे और एक बार इसको और अच्छे से हम पीस लेंगे, एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए। तो हम ये चेक करेंगे, ये देखिए बहुत ही स्मूथ ये पेस्ट बन चुका है। इसको हम एक बाउल में इस तरह से डालेंगे और ये जो हमारा सेकंड बैच है इसको भी हम इसमें इसी तरह से डाल के पीस लेंगे। तो जैसे मैंने आपको कहा, अगर आपके पास ताज़ा नारियल नहीं है तो आप इसमें डेजिकेटेड कोकोनट पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें आपको पीसने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है उससे भी। तो लीजिए, ये भी हमारा अच्छे से पीस चुका है और इसको भी हम बाउल में डाल देंगे। तो ये हमारा तैयार हो चुका है, इसको हम अलग रखेंगे। अब हम दूसरा बाउल लेंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर लिया है और 2.5 चम्मच मैंने यहाँ पे शुगर पाउडर लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2.5 बड़े चम्मच शुगर पाउडर लिया है। चीनी को आप अच्छे से पीस लीजिए और इसका पाउडर बना लीजिए। तो बस अब हम इनको अच्छे से एक दो बार मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी और जो शुगर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ दूध। तो दूध मैंने यहाँ आधा कप लिया है। तो यहाँ पे दूध हम ठंडा ही लीजिए, इसमें गर्म दूध मत डालिए नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। तो आप यहाँ पे ठंडा दूध ही लीजिए और इसको थोड़ा थोड़ा सा करके इसको मिक्स करते रहिए। ये देखिए, तो इसमें गैस का बिल्कुल भी कोई काम नहीं होता है, ये हम बिना गैस जलाए ही इतनी बढ़िया और टेस्टी सी हम ये आइसक्रीम बना लेते हैं। इसमें ऐसा कोई झंझट नहीं है कि आप इसको गैस पर दूध गाढ़ा करें। तो ये हमारा मिक्स हो चुका है और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 बड़े चम्मच व्हिप क्रीम। अगर आपके पास व्हिप क्रीम नहीं है तो आप इसमें अमूल क्रीम भी डाल सकते हैं, और अगर अमूल क्रीम भी नहीं है तो आप इसमें दूध की जो मलाई होती है ना आप इसमें वो भी डाल सकते हैं, और अगर वो भी ना हो तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी डालने की, आप ऐसे ही इसको चलाइए। ये बस हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि इसका जो टेस्ट है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो, और ज़्यादा उभर के आए। तो इसको हम तब तक मिक्स करते रहेंगे जब तक कि ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स ना हो जाए और इसमें एक झाग वाली फॉर्म ना आ जाए। तो इसको आप इस स्पैचुला से इस तरह से थोड़ा थोड़ा इस तरह से प्रेस कर लीजिए। व्हिप क्रीम थोड़ा सा टाइम लगता है मिक्स होने में, तो बस इसको हम चलाते रहेंगे तो वो बहुत ही जल्दी मिक्स हो जाती है।
तो बस अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है। तो ये मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि ये बिल्कुल हमारा जो झागे हैं वो बन चुके हैं। ये देखिए कितने बढ़िया झाग बन चुके हैं। तो बस इसको हम एक से दो बार और अच्छे से मिक्स करेंगे और हमारा जो ये बैटर है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। और अब हम यहाँ पे जो हमारा नारियल का मिक्सचर था वो भी तैयार है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे नारियल में और इसको हम मिक्स करेंगे। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क है तो हमें मिल्क पाउडर की, शुगर पाउडर की और दूध ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ कंडेंस मिल्क डाल के भी इसको बना सकते हैं। तो ये बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाता है हमारा और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। तो बस अब हमें क्या करना है, इसको हमें आइसक्रीम मोल्ड लेंगे। अगर आपके पास इस तरह की कोई भी आइसक्रीम मोल्ड रखा हो तो आप इसमें इसको डब जमा सकते हैं। अगर आपके पास आइसक्रीम मोल्ड भी ना हो तो कोई बात नहीं, आपके पास जो भी कंटेनर है, छोटी सी गिलासी, कटोरी, जिसमें भी आप जमाना चाहते हैं आराम से जमा सकते हैं। तो मैंने इन सब में एक एक जो हमने चिंक्स काटे थे ना वो उसमें हम डाल देंगे, नारियल के जो पीस होते हैं, ताकि जब हम आइसक्रीम खाएं ना तो वो मुँह में जब ऐसे आते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाता है। तो बस हम इस तरह से इनमें मोल्ड में अपनी ये जो मिक्सचर है नारियल का वो हम इसमें डाल देंगे और इस तरह से कैपिंग करके रख देंगे। तो बस एक एक करके हमने ये सारा इसमें भर लेना है। तो आपके पास छोटी सी ग्लासी हो, कटोरी हो, जिसमें भी आप जमाना चाहते हैं जमा सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप इसे आइसक्रीम मोल्ड में ही जमाएं। तो बस इस तरह से हम इसको ढक देंगे भर के। ये लीजिए, ये हमारे सारे भर चुके हैं और अब ये ऊपर से हम थोड़ा एक्स्ट्रा हटा देंगे और यहाँ पे मैंने फॉइल पेपर लिया है और इसको अच्छे से हम कवर कर देंगे ताकि इसमें एयर ना जाए। और इसमें हम नाइफ से हल्का हल्का कट लगा देंगे और अब हम इसमें इनकी जो स्टिक है वो डाल देंगे। तो एक एक करके हम ये सारी लगा देंगे। अगर आपके पास इस तरह की स्टिक ना हो तो जो आइसक्रीम की स्टिक आती है आप इसमें वो भी डाल के जमा सकते हैं। मैं एक आपको ऐसे दिखाती हूँ जमा के, ये देखिए इस तरीके से भी। तो बस इसको हम ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख देंगे। ओवरनाइट फ्रिज में रखने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छी ये जम जाती है। और ये देखिए ओवरनाइट होने के बाद मैं इसको आपको रिमूव करके दिखा रही हूँ उसका फॉइल पेपर। बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है हमारी। अब बस इसको हम थोड़ा सा नॉर्मल पानी में एक बार डिप कर लेंगे, एक से दो सेकंड के लिए बस। और ये देखिए बहुत ही इजीली ये मोल्ड में से निकल जाती है। तो बस ये देखिए कितनी जल्दी जल्दी ये निकल रही है, वाओ, देखते ही मुँह में पानी आ रहा है। तो मैंने इस तरह से एक गिलास में भी ये जमाई थी, ये देखिए इसमें भी हम नॉर्मल पानी में रखेंगे और इसको रिमूव कर देंगे। ये देखिए, देख रहे हैं कितनी बढ़िया लग रही है। तो लग रही है ना बिल्कुल कुल्फ़ी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और इतनी मज़े की ये लगती है कि एक बार आप इसको खाएंगे ना तो इस गर्मी आपके मज़े आ जाएंगे। तो प्लीज़ एक बार आप इसको इस तरह से ज़रूर जमाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ अपने ब्यूटीफुल हाथों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। तो ऐसी रेसिपी, खट्टी मीठी टेस्टी चटपटी रेसिपीज़ को देखती रहने के लिए मेरे साथ बने रहिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।